सो हे व्हाट्स अपनिंग गाइस, माय नेम इज सतीश, जो आप दिख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोल्ट इन द गेमिंग। तो जी हाँ, आज के लिए मैं आपके लेकर आ चुका हूँ, ये कोई पार्ट टू नहीं है सर्वाइवल सीरीज का, ये है आयरन गोलम वर्सेस रेंजर। रेंजर आपको पता होगा या फिर ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, जो जब विलेज पर रेड होती है तो विलेजर्स के साथ एक आता है बैल ओक्स टाइप का आता है एक जानवर, जैसे ये रहा आपके सामने रेंजर, इसे बोलते हैं रेंजर। चलिए फटाफट से इनका टेस्ट कर लेते हैं कि कौन कितना डायमंड सोर्ड झेल सकता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो जी हाँ, 13 में जो है ये मर चुका है, यानी कि डायमंड सोर्ड के फटके को झेल सकता है यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, फटाफट से जो है यहाँ पर आयरन गोलम को भी चेक कर लेते हैं कि डायमंड सोर्ड कितने फटके हैं। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो जी हाँ, दोनों जो है बराबर बराबर ले सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर जो है लगभग उतनी है। तो यहाँ पर दो हैं डायमंड सोर्ड के, 13-13 फट के जो है यहाँ पर ले सकते हैं। अब चलिए इनकी फाइट करवा कर देखते हैं, जो कि इस वीडियो का मेन सीन है गाइस। चलिए, अरे यार यार बीच में हमारे अखाड़े में, चलिए से बाहर फेंकता हूँ। चल चल, दो सोल्ट में बच गई। चलिए कोई नहीं, और भाई बैकग्राउंड थोड़ी नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले जो इसकी मुंडी बनाकर रख देता हूँ गोलम की, और चलिए फटाफट से रेवेंजर को स्पॉन कराते हैं एग के मदद से। ये रहा, और यहाँ पर धरते आयरन गोलम को। ये देखिए गाइस, इंटेंस सीन चल रहा है फट। ओ भाई, मैं बताऊँ किसकी तरफ पर्सनली मैं हूँ, आयरन गोलम की तरफ। ओ भाई, इतने में फैला दिया, और मरा भी नहीं। चले कोई नहीं, से मुझे मारना पड़ेगा क्योंकि इसकी हेल्थ जो है कम हो चुकी है। इस वीडियो को जो है बेसिकली यहाँ पर 3 राउंड होने वाले हैं। पहला राउंड जीत चुका है हमारा आयरन गोलम। अब बढ़ते हैं अपने राउंड 2 की तरफ। वो सबसे पहले स्पॉन करा लेते हैं अपने आयरन गोलम को। और चलिए, मैं तो पूरे जो वीडियो में जो है आयरन गोलम के साथ ही रहा हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। और अब स्पॉन कराते हैं अपने रेवेंजर को। और यहाँ पर जो है दूसरा फाइट सीन चल चुका है रनिंग के राउंड 2। अब देखते हैं इसमें कौन जीतेगा। आप कमेंट करके बताइए कि आप किसकी तरफ है, रेवेंजर आयरन गोलम? मैं तो आयरन गोलम की तरफ हूँ। और इस बात, ओ भाई, तो इस बार भी जो है हमारा विजेता जो है कौन हो चुका है, आयरन गोलम। पर बेचारे को मरना पड़ेगा जैसे कि आपको पता ही है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड भी कराना है तो ये अधमरे आयरन गोलम को हम नहीं करेंगे। पर हाँ, जो है दूसरा विनर ये हो चुका है। अब फटाफट से जो तीसरा भी कर लेते हैं यहाँ पर, और स्पीड जो है एक पर कर लिया, और फटाफट चलते हैं और इसे राउंड 3। और देखे गोलम तो वैसे भी जीत चुका है 3 में से 2। अब देखते हैं क्लीन स्वीप कर पाएगा या फिर नहीं भाई आयरन गोलम। अगर ये यहाँ पर जीत गया तो मैं मान लूँगा सबसे टफ है ये। हाँ, तो इस राउंड का विजेता जो है हमारा हो चुका है आयरन गोलम। तो इसके स्वागत में कुछ करते हैं। चलो यहाँ पर 2-3 जो है पटाखे फोड़ते हैं इसके स्वागत के लिए। क्या बोलते हैं उन्हें, फायर रैकर्स बोलते हैं। चलिए कोई से उठा लेते हैं पिंक जो भी हैं, और यहाँ पर जो है ये उछा लेते हैं इनके नाम के लिए, आयरन गोलम के लिए। तालियाँ हो जाएँ भाई, वाह, आयरन गोलम है। यानी कि पता लग चुका है अगर रेड हुई तो एक आयरन गोलम पूरे विलेज को जो है अच्छी खासी तरह से ठीक ठाक तरीके से जो है संभाल सकता है। मिलते हैं आपसे ऐसी धमाकेदार धांसू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।